कहानी एक ऐसी हवसी लड़की पर आधारित है जिसकी प्यास उसका पति नहीं बुझा पाता, तो वो अपनी इस जवानी की आग को बुझाने के लिए अनजान आदमियों को घर पर बुलाती है और उनके साथ जमकर टपा टप करती है। मूवी की शुरुआत एलिश से होती है जो अपनी एनिवर्सरी पर अपने हस्बैंड निक के आने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर निक का इंतजार करने के बाद एलिश निक के ऑफिस पहुंच जाती है जहां निक अपनी सेक्रेटरी जेना के साथ गप्पे मारने में बिजी था। एलिश को वहां देखकर जेना चुपचाप वहां से निकल जाती है। एलिश निक से पूछती है कि क्या तुम्हें हमारी वेडिंग एनिवर्सरी याद भी है या नहीं। इससे पहले वो कोई जवाब दे पाता उसे किसी का कॉल आ जाता है और वो जरूरी काम का बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। अगले दिन एलिश इस बारे में अपनी दोस्त लैला को बताती है तो लैला उसको बियर देते हुए कहती है, ये ले दो घूंट मार और सब कुछ भूल जा। अगर निक का चक्कर जरा के साथ चल रहा है तो तू भी किसी को ढूंढ ले और उसके साथ मजे कर। लेकिन एलिश का ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं था क्योंकि वो निक से सच्चा प्यार करती थी। अब उसका ये सच्चा प्यार कब तक टिक पाता है ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। तभी अचानक लैला के घर की घंटी बजती है और उसे पता चल जाता है कि उसका नया बॉयफ्रेंड उसकी केनी छेनी बनाने आ गया है। लैला एलिश को वहां से जाने के लिए कहती है और उसे पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल देती है। अब लैला को देखकर एलिश भी एक्साइटेड हो जाती है और सोचती है कि लैला के बॉयफ्रेंड में इतना क्या खास है। एलिश बाहर से अंदर झांकती है और वो देखती है कि उसकी दोस्त एक काले कलगंडे के साथ लाइफ के असली मजे ले रही है। उन्हें देख के एलिश का भी मौसम बन जाता है लेकिन वो जैसे तैसे खुद पर कंट्रोल कर वहां से निकल जाती है। एक दिन एलिश की मुलाकात फेलिक्स नाम के एक फोटोग्राफर से होती है। फेलिक्स को एलिश ने पहले भी निक के ऑफिस में देखा था। फेलिक्स बातों ही बातों में एलिश को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी कुछ फोटोज निकालने हैं, तुम वाकई में बहुत खूबसूरत हो। एलिश कहती है कि मैंने पोस्ट करना छोड़ दिया है। यानी कि एलिश पहले मॉडलिंग किया करती थी और फेलिक्स के लगातार फोर्स करने पर एलिश फोटोशूट के लिए राजी हो जाती है। फिर वो फेलिक्स को अपने घर ले जाती है जहां कुछ देर फोटोशूट के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आकर माहौल को गर्म करने लगते हैं। फेलिक्स अपना छोटा चेतन एलिश के मौत के कुएं में डालने ही वाला था तभी एलिश की अंतरात्मा उसे वो सब करने से रोक देती है और फेलिक्स अपना मुंह लटकाकर वहां से चला जाता है। लेकिन एलिश के अंदर आग तो लग चुकी थी इसलिए कुछ दिनों बाद वो दोबारा फेलिक्स को कॉल करके अपने घर बुलाती है और उस अधूरे काम को दोनों मिलकर पूरा करने में लग जाते हैं। फेलिक्स एलिश की अच्छे से केनी छेनी बनाता है और उसे खूब मजे देता है। अब निक ज्यादा घर पर नहीं रहता था इसलिए फेलिक्स हमेशा एलिश की सर्विसिंग करने उसके घर पर आते जाते रहता था। लेकिन एक दिन उसे बिना कुछ किए ही वापस जाना पड़ता है क्योंकि उस दिन निक ने एलिश के साथ समय बिताने के लिए ऑफिस से स्पेशल छुट्टी ली हुई थी। निक एलिश से माफी मांगता है क्योंकि वो काफी दिनों से एलिश को समय नहीं दे पा रहा था। वो कहता है कि मैं काम की वजह से तुम्हें प्रायोरिटी नहीं दे पा रहा हूँ लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सेम बात एलिश भी निक से कहती है। कुछ देर बाद निक नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है और उसके जाते ही फेलिक्स आ जाता है। फेलिक्स आते ही एलिश के साथ घपा घप करने लगता है। एलिश उसे रोकते हुए कहती है कि अभी हम नहीं कर सकते। निक अंदर बाथरूम में है लेकिन फेलिक्स कहाँ रुकने वाला था। वो एलिश को बाथरूम के दरवाजे पर ही टिका कर टपा टप करने लगता है। निक के बाहर आने से पहले ही फेलिक्स अपना काम पूरा करके वहाँ से जा चुका था। इधर निक भी बाथरूम से बाहर निकलते ही एलिश पर टूट पड़ता है। कुछ दिनों बाद निक एक बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है। इस वजह से एलिश घर पर अकेली रह जाती है। उसके इसी अकेलेपन का फायदा फेलिक्स उठाता है और एलिश को अपनी एक स्कीम के बारे में बताता है जिस पर फेलिक्स कहता है कि मेरा एक दोस्त थे, अगर तुम चाहो तो हम उसे थ्रीसम के लिए तुम्हारे घर बुला सकते हैं। एलिश तो पहले ही हवस की प्यासी थी तो वो इसके लिए मान जाती है। तभी अचानक निक की असिस्टेंट टेसा वहाँ आ जाती है और वो फेलिक्स को एलिश के साथ घपा घप करते हुए देख लेती है। एलिश टेसा से रिक्वेस्ट करती है कि वो इस बारे में निक को कुछ ना बताए। इस पर टेसा उसकी बात मान लेती है। टेसा ने निक को फेलिक्स के बारे में ना बताने का वादा तो किया था पर फिर भी एलिश की फट रही थी। अगले दिन फेलिक्स अपने साथ एक काले मुस्टंडे को लेकर एलिश के घर आता है। इसके केले का साइज देखकर एलिश की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है लेकिन फेलिक्स के कहने पर एलिश उस मुस्टंडे के साथ बाथटब में टपा टप करने के लिए तैयार हो जाती है और फेलिक्स एक कोने में खड़े होकर उन दोनों को करता देख अपने पप्पू को हिलाने लगता है। इसी तरह फेलिक्स अपने नए नए दोस्तों को एलिश के घर लाता है और एलिश के साथ सभी दबाकर टपा टप करते। अब एलिश के अच्छे दिन आ चुके थे लेकिन एक दिन निक अचानक अपना बिजनेस ट्रिप पूरा करके समय से पहले ही घर लौट आता है और आते ही वो एलिश से पूछता है कि घर पर कौन है। दरअसल निक के हाथ फेलिक्स का कोट लग गया था। तभी फेलिक्स स्टेज से बाहर आता है
और अपना परिचय देते हुए कहता है कि मैं एक फोटोग्राफर हूं और अभी मैं एलिश की फोटो निकाल रहा था। निक के ये सुनकर काफी खुश होता है क्योंकि वो चाहता था कि एलिश अपना मॉडलिंग करियर दोबारा से स्टार्ट करे। अब निक को कहां मालूम था कि उसकी गैर मौजूदगी में दोनों ने उसके घर को प्लेग्राउंड बनाकर रखा हुआ है। एलिश फेलिक्स के साथ इतनी बिजी हो चुकी थी कि उसे अपनी दोस्त लैला का भी ख्याल नहीं रहता है कि उसे उसने लंच पर बुलाया था। लैला एलिश से कहती है कि तुम हर वक्त उस फेलिक्स के साथ चिपकी हुई क्यों रहती हो, थोड़ा एंजॉय करना ठीक है लेकिन अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। एलिश कहती है कि अब सब कंट्रोल में है, तुम टेंशन मत लो। लेकिन एलिश का दिल जानता था कि वो फेलिक्स से दूर नहीं रह सकती है, लेकिन जब उसे पता चलता कि वो प्रेग्नेंट है तब वो उस खेल को खत्म करने के बारे में ठान लेती है और इस बारे में फेलिक्स को बताती है। लेकिन फेलिक्स एलिश को छोड़ना नहीं चाहता था, वो एलिश के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। लेकिन जैसे तैसे पुलिस की धमकी देते हुए एलिश फेलिक्स को वहां से भगा देती है। एलिश ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो चार अलग अलग लोगों के साथ टपा टप कर चुकी थी और उसे ये नहीं पता था कि उसके होने वाले बच्चे का बाप कौन है, और इस वजह से उसे अंदर ही अंदर गिल्टी फील होने लगा था। एक दिन निक एक रेस्टोरेंट में पार्टी रखता है जहां उसने फेलिक्स को भी इनवाइट किया था। फेलिक्स को वहां देख एलिश थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है क्योंकि फेलिक्स अपने उसी काले मुस्टंडे दोस्त को लेकर उस पार्टी में आया था। फेलिक्स टेबल के नीचे से एलिश को परेशान करने लगता है, इससे तंग आकर एलिश वॉशरूम में चली जाती है। फेलिक्स भी उसके पीछे पीछे लेडीज वॉशरूम में चला आता है और उसे परेशान करने लगता है। तभी जेनेट वहां आ जाती है और उसे देखकर फेलिक्स वहां से चला जाता है, पर फेलिक्स एलिश का पीछा यूं ही नहीं छोड़ने वाला था। फेलिक्स एलिश के साथ बिताए पलों वाले वीडियो उसके घर भेजता है। निक का उन्हें देखने वाला था पर उससे पहले ही एलिश उन वीडियो को छुपा देती है। अब फेलिक्स की हरकतों से एलिश पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। फेलिक्स एलिश को धमकी दे रहा था कि अगर एलिश ने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसके हस्बैंड को सब कुछ बता और दिखा देगा। एलिश कहती है कि मैं निक को नहीं छोड़ सकती, तो फेलिक्स कहता है कि तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद वो खुद तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, इसलिए मैं जैसा बोलता हूँ वैसा चुपचाप करो। कल मैं तुम्हें कॉल करके बताऊंगा कि कहाँ आना है और आखिरी बार टपाटप करने के बाद हमारे बीच में सब खत्म हो जाएगा। एलिश अब बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो करे तो क्या करे। अगले दिन फेलिक्स एलिश को अपने घर बुलाता है और पहले चार लोगों के साथ टपा टप करने के लिए कहता है। एलिश मजबूरी में आकर फेलिक्स की बात मान लेती है और उसने कहा था कि ये आखिरी बार है और इसके बाद वो उसका पीछा छोड़ देगा। लेकिन टपा टप करते समय भी फेलिक्स एलिश की वीडियो बना रहा था, जिससे एलिश को लगता है कि वो उस वीडियो के जरिए उसे आगे भी वो सब करने के लिए ब्लैकमेल कर सकता है। एलिश ठान लेती है कि वो खुद निक को सब कुछ बता देगी और काम होने के बाद वो वहां से चली जाती है। घर आकर एलिश अपने अफेयर के बारे में निक को सब कुछ बता देती है। इसके बाद निक अपसेट होकर एलिश को अपने घर से निकाल देता है। कुछ टाइम बाहर होने के बाद जब शाम को एलिश अपने घर लौटती है तब वो निक और लैला को कुर्सी पर बंधा हुआ देखकर चौंक जाती है क्योंकि उन दोनों के ठीक पीछे फेलिक्स खड़ा था। लैला और निक के फेस पर चोट के काफी गहरे निशान थे और ऐसा ही हाल फेलिक्स के चेहरे का भी था, मतलब कि तीनों के बीच हाथापाई हुई थी। फेलिक्स एलिश को बताता है कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का निक के साथ चक्कर चल रहा था और उसने तुम्हें अपने घर से निकल जाने के लिए इसलिए कहा ताकि वो लैला को घर बुलाकर उसकी केनी छेनी बना सके। एलिश को यकीन नहीं हो पा रहा था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके साथ ऐसा कर सकती है, लेकिन जब निक भी इस बात को मान लेता है तब एलिश को सब कुछ समझ आ जाता है। तभी अचानक गुस्से में आकर फेलिक्स निक के पेट में चाकू मारकर वहां से भाग जाता है। इससे पहले कि फेलिक्स वापस आता, एलिश लैला की रस्सी खोलकर उसे वहां से जाने को कहती है। लैला नीचे हॉल में आकर पुलिस को फोन लगा ही रही होती है कि तभी फेलिक्स वहां आ जाता है और हथौड़े से मार मार कर लैला की हत्या कर देता है। तभी एलिश भी वहां आ जाती है और वो फेलिक्स के हाथ से हथौड़ा छीन करके उसे मार डालती है। अब इस बात को पूरे 6 महीने बीत जाते हैं और हम एलिश और निक को एक साथ देखते हैं। निक के पेट में चाकू लगा था पर कुछ मेडिकेशन की वजह से वो बच गया था और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।